हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई&आई इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टर्मिनेशन शेड्यूल के बारे में, जो भी इसके अंतर्गत जो हमारा जैसे फेरूल हो गया, फेरूल टैग नंबर हो गए, जो पीएलसी के एड्रेसेस है, इन सब के बारे में मैं आप बात करूंगा, जो कि किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में जो जितने सारे भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी सपोज एक इंडस्ट्री है तो जिसमें क्या है कि नंबर ऑफ आईओज ज्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ आईओज ज्यादा इट मीन्स हमारा जो प्रोसेस लाइन में इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो भी हमारा ज्यादा है। तो इन सबको हम प्रॉपर कनेक्शन करें, जहां पे जिसका लोकेशन हमारा पीएलसी में वहां पे कनेक्ट करें, इसके लिए क्या होता है दोस्तों, हम एक टर्मिनेशन शेड्यूल बनाते हैं। इसके अंतर्गत अगर आप उस टर्मिनेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप उसका कनेक्शन करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स का, जो भी रेस्पेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स है, तो जो आपका गलत होने का जो कनेक्शन है वो हमारा चांसेस बहुत ही कम जाता है, जिससे आपका परेशानी कम सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हमारा टर्मिनेशन शेड्यूल आपको किसी भी प्लांट में कमिश्निंग से पहले बनाकर इसके अकॉर्डिंग ही हमारा इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन को किया जाता है। आई होप टर्मिनेशन शेड्यूल का क्या कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि टर्मिनेशन शेड्यूल के हेल्प से दोस्तों आप कैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का टैग का हेल्प से आप किसी भी पीएलसी के एड्रेस में कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज कि हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो फील्ड में लगा हुआ है, उसका टैग नंबर आपको पता है, उस टैग नंबर से आपको पीएलसी में कहां पे जाकर वो टर्मिनेट हुआ है उस एड्रेस को भी आप इस टर्मिनेशन शेड्यूल के हेल्प से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट समझते हैं कि जो टर्मिनेशन शेड्यूल है जिसको आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, ये जो बना हुआ है, इसको बनाने के लिए क्या क्या जो है हमारा रिक्वायरमेंट होता है, किस किस चीज को हमें बनाने से पहले उस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहला होता है दोस्तों आईओ लिस्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट लिस्ट, जो कि मैं पहले भी एक वीडियो इस पे बना चुका हूं आईओ लिस्ट के ऊपर, आप उसे जाकर एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट आता है जो भी पीएलसी है या डीसीएस, उसका सिमेटिक ड्रॉइंग। सिमेटिक ड्रॉइंग से क्या है कि जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, जो भी हमारा AIEO, DIDO, RTD जो भी मॉड्यूल्स है, सबका कनेक्शंस का कॉन्फ़िगरेशंस दिए रहते हैं और किस तरह से हमारा मार्शलिंग कैबिनेट में कनेक्शंस किया जाता है उसका डिटेल भी दिया रहता है। नेक्स्ट आता है कि मार्शलिंग कैबिनेट में जो हमारे टीवी लगे रहते हैं उसका डिटेल। नेक्स्ट है कि जो भी आपके पास JB है, जंक्शन बॉक्स, उसका डिटेल होना चाहिए आपके पास, उसमें कितना हमारा नंबर ऑफ टीवी JB में लगेगा उसका डिटेल होना चाहिए। और नेक्स्ट जो फाइनल है वो हमारा है केबल डिटेल्स, जो भी कंट्रोल केबल है आपके पास उसका डिटेल होना चाहिए कि आपके पास कितना कोर का केबल है, जो कंट्रोल केबल है उसका हमारा साइज क्या है, जो केबल है आपका उसका पेयर केबल है या हमारा कोर केबल है या ट्रायड केबल है, ये सब डिटेल आपको पास रहना चाहिए, तभी आप इस टर्मिनेशन शेड्यूल को प्रॉपरली बना सकते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके हम इस टर्मिनेशन शेड्यूल को देखते हैं। तो आप दोस्तों इस वीडियो को फुल स्क्रीन में करके देखिएगा, सुरेट इसमें जो है आपको अच्छे से क्लियर दिख सके और एक एक टैग भी आपको क्लियरली दिखे। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सीरियल नंबर 1 में जो दिया है, ये हमारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का टैग हो गया। तो जो हम टर्मिनेशन शेड्यूल बनाया दोस्तों, ये क्या है कि फील्ड इंट से लेकर पीएलसी के मार्शलिंग कैबिनेट इंट तक आप बना सकते हैं, या पीएलसी के मार्शलिंग कैबिनेट से लेकर फील्ड इंट तक आप जो हमारा फील्ड इंस्ट्रूमेंट इंट है वहां तक बना सकते हैं डिटेल को। तो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, फील्ड इंट से लेकर हमारा पीएलसी के मार्शलिंग कैबिनेट तक बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं एक हमारा इंस्ट्रूमेंट का टैग दिया हुआ है VT1703 करके, तो ये हमारा एक वाइब्रेशन सेंसर है जो हमारा फील्ड में लगेगा। तो ये जो टैग देख रहे हैं, ये हमारा टैग एक जो भी फील्ड इंस्ट्रूमेंट होगा वहां पे जाकर आपका फेरूल में प्रिंट होगा। तो इसका देख सकते हैं, इसमें जो हमारा देख रहे हैं 1703, ये हमारा टैग हो गया वाइब्रेशन सेंसर का, ये हो गया हमारा कमेंट। अब देख सकते हैं कमेंट इन द सेंस जो हमारा वाइब्रेशन सेंसर है वो किस पर्पज से यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, उसको हम कमेंट के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक क्वांटिटी, जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट इसलिए एक लिखा है, और ये हमारा जो वाइब्रेशन सेंसर वो किस तरह का सिग्नल को यूज करता है, तो हमारा एनालॉग इनपुट सिग्नल है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सिग्नल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा केबल साइज, जो कि मैंने आपको बताया डिटेल में जानकारी होना चाहिए केबल के बारे में। तो जो हमने जो केबल डालना है वो क्या है कि सिंगल पेयर केबल रहेगा, सिंगल रन होगा, और जिसका साइज हमारा 1.5 square mm का केबल होगा। और ये हमारा जो हो गया फेरूल का डिटेल हो गया, जो आपका जंक्शन बॉक्स में लगेगा। तो क्या है, ये हमारा जो देख रहे हैं आप, ये इंस्ट्रूमेंट इंड में हमारा फेरूल पे प्रिंट होगा और वो कनेक्शंस किया जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये हमारा जेबी में आएगा, तो जेबी में क्या है, आप जेबी से जो हमारा केबल जो जाता है इंस्ट्रूमेंट तक, वो हमारा ब्रांच केबल जिसे हम बोलते हैं, तो जो ब्रांच केबल है, ब्रांच केबल के जो एक इंड होगा जिसपे हमारा इस टैग को डाला जाएगा। जैसे देख सकते हैं हमें टैग है सेम इंस्ट्रूमेंट का, इसे सेम टैग है, बट इसमें ऐड जो हो गया है हमारा जेबी डिटेल्स ऐड हो गया है और टीवी इसमें डिटेल ऐड हो गया है। तो जैसे देख सकते हैं VT1703A, ये हमारा वाइब्रेशन सेंसर का टैग है, JB1 मतलब JB नंबर 1 में किया गया है, 1 by प्लस
लिखा हुआ पॉजिटिव, मतलब जो पहला नंबर टीवी है ये वन देख रही है, हमारा टीवी बताता है जो पहला नंबर टीवी है उसमें हमारा पॉजिटिव जाएगा और दूसरा नंबर टीवी में हमारा निगेटिव जाएगा। तो ये हो गया सेम हमारा एक वाइब्रेशन सेंसर का जंक्शन बॉक्स का डिटेल, जो कि हमारा आपका ब्रांच केबल का डिटेल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जेबी के आउट से जो केबल जाएगा इंस्ट्रूमेंट का उसका ये डिटेल हो गया, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं आपको इंस्ट्रूमेंट इन से जेबी इन से पीएलसी इन तक का बता रहा हूं। नेक्स्ट आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है हमारा जेबी नंबर वन है, क्योंकि जो भी हमने कनेक्शन इस वाइब्रेशन सेंसर का करा है उसका जेबी डिटेल जो करेंगे तो हमारा जेबी नंबर वन है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसको, तो यहां हमने जंक्शन बॉक्स का डिटेल आपको बता रखा है, ये जेबी नंबर वन है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो है जेबी से पीएलसी इंट तक। तो जेबी का एक इंट मैंने कनेक्शन आपको करके बता दिया जो आपको इंस्ट्रूमेंट को जाएगा। नेक्स्ट दूसरा इंट की बात करें तो क्या है, अब क्या है कि जो जेबी से पीएलसी तक जो केबल आता है वो क्या हमारा पेयर केबल आता है, या आप बोल सकते हैं पीएलसी से जो जेबी तक जाता है वो हमारा पेयर केबल जाता है। पेयर केबल मतलब वो केबल हो सकता है हमारा 10 पेयर का, 20 पेयर का, या 20 कोर का, 16 कोर का, या ट्रायड केबल हो सकता है। तो इस तरह से हमारा बंच में केबल आता है, क्योंकि इंडिविजुअल केबल लाना पॉसिबल दोस्तों हमारा पीएलसी से जेबी तक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बंच में केबल हो जाएगा जो कि आपको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या है यहां पे हमने पेयर केबल को लाया, तो आप देख सकते हैं यहां पर दिखा हुआ है 6 पेयर का केबल जो हमारा दो रन डला गया है 1.55 स्क्वायर एमएम का और 10 कोर का जो हमारा सिंगल रन डला गया है सेम साइज का। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं जेबी वन में आया है हमारा। अब क्या है ये जो मैं बता रहा हूं आपको डिटेल, तो जेबी से पीएलसी इन तक, तो ये जो कनेक्शन देख रहे हैं आप जंक्शन बॉक्स का है, तो जंक्शन बॉक्स में जो पीएलसी से केबल आएगा तो पीएलसी से एक कनेक्शन होगा पीएलसी इंड में, वो हमारा उसका डिटेल ये है, और एक जो दूसरा इंड होगा वो हमारा जेबी में होगा कनेक्ट, तो जेबी का डिटेल्स ये है। तो इसको भी देखिए सेम टैग है, तो सेम नंबर डाला गया है VT1703A, बट यहां पे आप देख सकते हैं क्या चेंजेज है, यहां हमारा मॉड्यूल का डिटेल दे दिया गया है। मॉड्यूल का डिटेल मतलब जो हमारा किस मॉड्यूल में जाकर ये हमारा कनेक्ट हो रहा है उसका डिटेल है। तो देख सकते AI01 लिया है, मतलब जो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल का पहला नंबर है, पहला नंबर मॉड्यूल का हमारा जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा M4 प्लस और M4 माइनस में, जो कि हमारा जंक्शन बॉक्स में कहां पे कनेक्ट किया गया है जेबी वन का टीवी नंबर वन और टू में। आई होप इस चीज को समझ गए होंगे आप। तो ये हो गया जंक्शन बॉक्स में जो कनेक्ट होगा हमारा उसका। अब नेक्स्ट बात आती है कि मार्शलिंग कैबिनेट में हमारा जो कनेक्ट होता है उसका जो हमारा आया, तो ये जो इंड है ये हमारा मार्शलिंग कैबिनेट इंड का है, जो भी आपका पीएलसी में मार्शलिंग कैबिनेट पीछे में होगा उसका कनेक्शन डिटेल है। तो ये हो गया आपको जेबी का डिटेल। नेक्स्ट आप पीएलसी की बात करें तो ये हो गया हमारा पीएलसी इंड, तो पीएलसी में जो है हमारा टीवी नंबर दे रहते हैं, तो यहां पे क्या है जैसे मैंने यहां पे बताया M4 प्लस M4 माइनस, तो ये इसी से डिसाइड हुआ, क्योंकि उसमें भी टीवी नंबर जो दिए रहेंगे जो केबल आता है उसका AI01 M4 प्लस, AI01 M4 माइनस, M5 प्लस, M5 माइनस, M6 प्लस, ऐसे करके रहता है दोस्तों डिटेल, जो कि मैं पहले भी आपको बताया हूं जब एनालॉग इनपुट का एड्रेस के बारे में बताया था, वो भी वीडियो आप उस वीडियो को भी देख ले। नेक्स्ट बात करते हैं मार्शलिंग कैबिनेट इंड में जो हमारा जो फेरुल का टैग जो डालते हैं उसको, तो सेम टैग रहेगा 1703A VT जेबी नंबर वन में हमारा, यहां पे देख सकते हैं टीवी नंबर वन दिया गया है जो मार्शलिंग कैबिनेट के AI01 का पहला नंबर और दूसरा नंबर टीवी में इस वाइब्रेशन सेंसर का कनेक्शन होगा, जिसका एड्रेस की बात करें तो देख सकते हैं M4 प्लस और M4 माइनस है। आई होप जो मार्शलिंग कैबिनेट इंड का है उसको भी आप समझ गए होंगे। इसको जो मैंने बताया आपको फील्ड इंड से पीएलसी इंड तक बताया। तो नेक्स्ट हम एक और बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर एलिमेंट का बात करें तो देख सकते हैं जिसका टैग हमारा 1203A है, ये हमारा 3 वायर सिस्टम है दोस्तों, इसलिए हमने क्या है 3 यहाँ पे टैग डाला है ABC करके सीक्वेंस में, जो हमारा मोटर का एयर ब्लोड साइड का बेयरिंग टेम्परेचर बताता है। जो हमारा सिग्नल है वो RTD का है। यहाँ पे जो हमने केबल डाला, क्योंकि मैंने बताया 3 वायर सिस्टम है, तो क्या है कि हमने सिंगल पेयर का केबल 2 रन डाल दिया है, जिसमें कि 3 यूज कर लेंगे और एक केबल हमारा एज ए स्पेयर रह जाएगा। नेक्स्ट आप फेरुल की देखें, जो हमारा जेबी इंड की बात करें तो जेबी इंड में देख सकते हैं हमारा टैग सेम है, बट यहाँ पे जेबी डिटेल्स ऐड हो गया और टीवी डिटेल्स, तो देख सकते हैं जेबी नंबर वन का 9 नंबर टीवी में जाकर हमारा ये कनेक्ट होगा, और ये हमारा जो है दूसरा नंबर इसका RTD का सेकंड वाले केबल जो होगा जेबी नंबर वन का ही 10 नंबर टीवी, और नेक्स्ट जो है हमारा 11 नंबर, मतलब 3 वायर सिस्टम ये हमारा हो गया दोस्तों, ऊपर से लेकर 9, 10, 11, मतलब ये हो गया एक RTD के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया जेबी इंड। अब जेबी इंड का दूसरा इंड हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं ये हमारा फिर से यहाँ पे टैग सेम है, बट जो एड्रेस है वो हमारा क्या आ गया पीएलसी इंड का एड्रेस आ गया, यहाँ पे मार्शलिंग कैबिनेट इंड का, तो सेम टैग है बट जो एड्रेस ऐड हुआ वो R01 मतलब RTD का पहला मॉड्यूल का जो है M2 प्लस मतलब और M2 माइनस और LC2 माइनस,
जो टीबी नंबर किस में जाएगा 9, 10, 11 और जेबी नंबर 1 में लिए हैं। तो ये हो गया हमारा फेरुल का जो भी होगा कनेक्शन जो हम करेंगे टीबी में जेबी नंबर 1 में, वो डिटेल हो गया। तो एक कंप्लीट जेबी का हो गया, ये जो हो गया। अब यहां से क्या है, पीएलसी इंड को केबल आएगा, जो पेयर केबल उसका डिटेल समझते हैं। तो एक इंड का हो गया, दूसरा इंड का आप देख सकते हैं इसमें फिर से जो है ये हमारा सेम टैग है, एड्रेस भी सेम है, बट यहां पे जो देख सकते हैं आप फिर से हमारा टीबी नंबर में क्या है आपका 9, 10 और 11 सेम टैग का जेबी 1 से आया है। और जो हमारा मॉड्यूल है वो आरटीडी का पहला मॉड्यूल है, इसलिए R01 है। जो हमारा टर्मिनेशन होगा वो जो एड्रेस होगा उसका आरटीडी वाला वो M2+, M2- और LC2- में होगा। तो ये हो गया हमारा आरटीडी का, आपको इसको उल्टा सिक्वेंस में भी ले सकते हैं। तो ये कुछ हो गए। अभी और मैं अगर बात करूं तो इसके पीछे और भी डिटेल है, जैसे दूसरे दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो जैसे मैंने टेम्परेचर एलिमेंट का आपको बता रखा, लीकेज सेंसर का है, यहाँ पे किसी फीडबैक वाल्व का है ले सकते हैं आप। तो ये कंप्लीट मेरा जो है टर्मिनेशन शेड्यूल जो है, जिससे हम प्लांट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का पीएलसी से लेकर इंस्ट्रूमेंट फील्ड इन तक का कनेक्शंस को हम करते हैं दोस्तों। तो आई होप जो आपका कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि आप ट्रेस जो है केबल को ट्रेस किस तरह से करेंगे। तो क्या है कि सपोज मान लीजिए दोस्तों आपके पास कोई भी जैसे इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रेस करना उसके एड्रेस को। तो लेटर सपोज मैं आपको फिर से एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे आप देख लीजिए ये यहां पे देखिए, एक हमारा जो है आपको फीडबैक के लिए यूज करा है JD3801 जो है हमारा एक प्रेशर बैलेंस क्लीनिंग कंट्रोल वाल्व का है, जो हमारा एक बोल सकते हैं जो एनालॉग इनपुट हुआ, मतलब सिग्नल जो किस तरह का हुआ एनालॉग इनपुट टाइप का, ये हमारा किसी कंट्रोल वाल्व का फीडबैक लेने के लिए यूज करा। तो ये टैग हुआ। तो ये क्या है, कोई भी आप वाल्व है तो ये वाल्व का टैग हुआ 3801 जो हुआ वाल्व का टैग हुआ। तो जैसे कंट्रोल वाल्व आपको देख के भी पता चलेगा उसमें दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक AI और एक AO। तो क्या है, ये हमारा जेडी है मतलब फीडबैक के लिए। तो उस वाल्व को आप डिफाइन कर लिए, चेक कर लिए प्लांट में कि ये हमारा वाल्व यहां पे लगा है, उस वाल्व को हम टैग नंबर को देखेंगे, उस टैग को हम इस टर्मिनेशन शेड्यूल में आकर देखेंगे, जो आपके पास ये शेड्यूल है इसमें आकर देखेंगे कि टैग दिया कहां है। तो देखेंगे तो यहां पे हमारा ये टैग है, इस टैग से आपको ये पता चल जाएगा कि सिग्नल किस तरह का है, ये आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे भी पता चलेगा किस तरह का है, कौन सा केबल हमने यूज करा है। तो सिंगल पेयर का एक रन केबल है जो हमारा यूज करा है। नेक्स्ट अब हम जेबी डिटेल्स यहां से पता चल जाएगा कि जेबी नंबर 4 में कनेक्ट किया गया इस वाल्व का केबल को, कंट्रोल केबल को। तो यहां से आपको क्या है जेबी डिटेल भी मिल गया। नेक्स्ट अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा ये पीएलसी इंड में किस तरह से जाके कनेक्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट हम आगे आपको दिखाते हैं। जेबी नंबर 4 जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट आपको टीबी नंबर भी पता चल जाएगा यहां पे, जैसे जेबी नंबर 4 का टीबी नंबर कितना है, ये हमारा 3801 मैंने बताया था। तो 3801 का कितना 3 नंबर और 4 नंबर टीबी में कनेक्ट किया गया। नेक्स्ट अब हम जेबी में ही देखेंगे तो वहां से आपको पीएलसी इनका भी एड्रेस मिल जाएगा। तो यहां से आप एड्रेस आपको पता करना है तो कर सकते हैं, या यहां से भी कर सकते हैं। तो जेबी इंड में ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3801 का जो कनेक्शन हुआ है। सपोज ये जो मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको फीडबैक का बता रहा हूं, नीचे वाला ये है फीडबैक, सॉरी मैंने आपको टीबी नंबर गलत बता दिया, ये है हमारा AO सिग्नल का और ये AI सिग्नल का मैं बता रहा हूं। तो 3801 को बात कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो देख रहे हैं हमारा AI01 दिया है, मतलब हमारा एनालॉग इनपुट का मॉड्यूल नंबर पहला जो है M7+ और M7-, जो जेबी नंबर 4 का टीबी नंबर 5 और 6 में कनेक्ट है। इसी का अगर AO सिग्नल की बात करें तो ऊपर में देख सकते हैं 3 और 4 में कनेक्ट है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो हमारा पीएलसी इंड में कनेक्शन किस में हुआ है, तो किस में हुआ है एनालॉग इनपुट का मॉड्यूल नंबर पहला का टीबी नंबर 5 और 6 में हुआ है। इससे आपको ये हो गया। अब फर्दर आप यहां भी देख सकते हैं जो टीबी डिटेल्स मैं पहले भी डाल दिया हूं। नेक्स्ट अगर यहां बात करें तो ये जो कनेक्शन होगा ये हमारा पीएलसी इंड में होगा, जो मार्सलिंग कैबिनेट बोलते हैं उस इंड में। तो उस इंड में भी सेम कनेक्शन से आप देख सकते हैं, ये आपको लिखा हुआ AI01 का M7+ M7-, तो ये भी आपको पता चल गया दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के को देखकर फिजिकली टैग को बस आपको पता करना है, उस टैग से आप पूरे कंट्रोल जो भी इसके वायरिंग किए गए हैं उसका एड्रेस पीएलसी इंड में किस तरह से किस टीबी में जाकर कनेक्ट हुआ है, आपको ये सब डिटेल आपको इस टर्मिनेशन शेड्यूल के हेल्प से मिल जाएगा दोस्तों। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। शेयर कर सकते हैं दोस्तों, मैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसको 100% डाउट को क्लियर करो दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। थैंक यू सो मच।